तो पहले जो होमवर्क में डाउट्स हैं वो देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। उसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे कार्बन और कार्बन के साथ यहाँ पे मिथाइल रिंग है, सॉरी कंप्लीटली रिंग है, मिथाइल रिंग नहीं कहेंगे, सॉरी रिंग है यहाँ पर। अब आप इसको देखिए, इसके अंदर दो तरह की रेजोनेंस पॉसिबल है। एक तो कौन से, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, हम तो एक ही शो करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ एक की जरूरत है ना। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर डबल हो रहा है, तो यहाँ पे तो मुश्किल है, यहाँ पे तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगी, फिर ये तो गड़बड़ होगी। अब अगर मैं क्या करूं इसके अंदर, यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड है, नहीं मैंने डबल बॉन्ड गलत लगाया ना, इधर गया क्लियर ऑप्शन। हाँ डबल बॉन्ड यहाँ नहीं आएगा, डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पर था राइट। हाँ अब यहाँ पर जो हमारे पास था ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, उसके ऊपर लोन पेयर, ये चीज थी हमारे पास, है ना। तो इसको मैं ए मानती हूँ, इसको बी और इसको सी मानते हैं, सी एक्स, उसमें एक्स माना था क्योंकि कार्बन के साथ कंफ्यूजन हो रही थी, ठीक है। इसको एक्स मानते हैं और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, हाँ जी। तो इसमें हमारे पास रेजोनेंस पॉसिबल हो रही है, तो रेजोनेंस कैसे पॉसिबल होगी इसमें, जो इसके पास हमारे नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो इसको दे दिया जाएगा, लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू इधर लोन पेयर, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा, ये अभी एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था ये रहा नाइट्रोजन, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पर जो लोन पेयर था इधर डबल बॉन्ड बना देगा, दो डबल बॉन्ड एक साथ हमारे पास रह नहीं सकते राइट। तो ये डबल बॉन्ड मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है लोन पेयर। अब सिर्फ नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को इधर दिया है फॉर द बॉन्डिंग, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज राइट, ये चीज होगी हमारे पास। अब क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज घूमेगा, अब इस नेगेटिव चार्ज वाले इस वाले पार्ट को देखो, अब आपने देखना है इस वाले पार्ट को, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव। अब मेरे पास आ रहा है ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन है यहाँ पे, कार्बन है, रिंग है हमारे पास तो कार्बन है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास वैसे लोन पेयर भी है, यहाँ पर ए के ऊपर लोन पेयर भी आ रहा है वैसे तो। अब यहाँ पर किस तरह की होगी बॉन्डिंग, अब यहाँ पर क्या होगा, अब आप बताओ क्या स्ट्रक्चर आएगी यहाँ पे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का क्या करेंगे हम, मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, जब ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के ऊपर नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, बोलो भी, फिर से ये जो है हमारा बॉन्ड पेयर वो उधर चले आएगा, हाँ सी वाली सी और ए फिर आ जाएगा। देखो इसमें ये चीज हो सकती है ना कि ये वाला इधर चला जाए और ये वाला इधर चला जाए, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर जो नेगेटिव है ये इधर बॉन्ड बना ले। अब देखो इधर बॉन्ड बनाएगा कोई फायदा नहीं है, इधर बॉन्ड बनाने का कोई फायदा नहीं, आगे इस तरफ यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, अगर यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर वो नेगेटिव चार्ज यहीं पे रह जाएगा, तो हमारी रिंग स्टेबल नहीं हो पाएगी, हमारी रिंग के ऊपर से चार्ज नहीं खत्म हो पाएगा, हमारी के कोशिश है चार्ज को खत्म करने, क्योंकि हमारी पिछले वाली रिंग में जो पहले वाली ओरिजिनल रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसमें कोई चार्ज नहीं था, है ना। तो बेटर है हम यहीं पे इसको कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे मेरे पास है नाइट्रोजन, ये मेरे पास रिंग बन गई, इधर मेरे पास आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये यह हो सकता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, दो डबल बॉन्ड साथ में स्टेबल नहीं है तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों, इसके पास वैसे भी लोन पेयर थे बट स्टिल इसने क्या इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है।
अब यहाँ पर ये कंडीशन आई है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, ठीक है, पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पड़ा है। अब ये सिंगल ही है, अब क्या हो सकता है इसके अलावा? देखिए, अब हमारे पास है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है ना। अब फिर से उलझन आ गई है, अब क्या किया जाए? अब इस तरफ फिर से देखो, ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को देखो, डबल सिंगल नेगेटिव, पहले यहाँ से आ रहा था डबल सिंगल नेगेटिव, अब यहाँ से आ रहा डबल सिंगल नेगेटिव, क्या होगा? अब वही प्रोसेस रिपीट में हो जाएगी, वही प्रोसेस रिपीट में होगी, लोन पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा इधर, और ये इधर आ जाएगा, फिर तो कोई फायदा नहीं है अब। ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर, तो यही इसके पास बन पा रहे हैं। तो अब इसको वापस उस स्टेट में कैसे लेके आएंगे? वापस उस स्टेट में लेके आएंगे वही प्रोसेस रिपीट करके, ये इधर गया और ये इधर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव है ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमारे पास पहले वाली कंडीशन आ गई है। ओके, इसके ऊपर ऑक्सीजन से चार्ज हटा दिया क्योंकि पहले वाली रिंग में चार्ज नहीं था इधर ऑक्सीजन में। अब देखिए, डबल सिंगल नेगेटिव यहाँ पे बन रहा है, अब बन रहा है यहाँ पे डबल सिंगल नेगेटिव ये वाला। अब क्या होगा? डबल सिंगल पॉजिटिव को नहीं देखना हमने, डबल सिंगल नेगेटिव को देखना है, तो यहाँ पर बनाएगा बॉन्ड, दो बॉन्ड इकट्ठे रह नहीं सकते, ये इधर आ जाएगा, जिनकी लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। इस तरह की वैसे स्ट्रक्चर्स कम ही आती हैं, बट स्टिल अगर आ जाए उनको थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब ये इधर डबल बॉन्ड बना रहा है, राइट, और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो रहा था, इसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आता, वो बैलेंस हो जाएगा, तो पहले वाली स्ट्रक्चर आ गई, यही चाहिए थी हमें, ठीक है। तो 1 2 3 4, फोर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो हमारे पास आ रही है। अब इस वाले पे आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे, सेकेंड क्वेश्चन में है मेरे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, दोनों के ऊपर नाइट्रोजन के पास और ऑक्सीजन के पास के लोन पेयर है, तो कैसे होगा? अब इस वाले के साथ ही डबल बॉन्ड पड़ा है, इस वाले के तो साथ ही डबल बॉन्ड पड़ा है, अब क्या होगा? क्वेश्चन देखने, देख मुझे क्वेश्चन में, यहाँ पर था मेरे पास नेगेटिव चार्ज नहीं था, मैंने डबल बॉन्ड्स क्यों गलत लगा रखी है? तो यहाँ पर है ये वाले क्वेश्चन तो सही लिखे हुए हैं, इस वाले में पता नहीं क्या गड़बड़ होगी, मैंने डबल बॉन्ड्स लगा दिए और गलत जगह पे, ध्यान से देखा नहीं, सॉरी। हाँ जी, इसका डबल बॉन्ड है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे डबल सिंगल डबल ये बन रहा है, एक तो ये बन रहा है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड वाला, डबल सिंगल डबल, एक हमारे पास बन रहा है ये वाला डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या क्या बन पा रही है? देखो, एक तो ये बन रही है रेजोनेंस, दो तरह की रेजोनेंस होगी, एक तो ये वाली होगी, करेंगे सारी, इसको अलग करके रख लेते हैं, जो डबल सिंगल नेगेटिव वाली है सॉरी डबल डबल सिंगल लोन पेयर वाली है, क्योंकि नेगेटिव ही बनेगा, तो क्या होगा? लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। इसको इधर ऐसे रख दिया, रिंग ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे है NH और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोन पेयर था, ये इधर आ गया, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नहीं इसके ऊपर नहीं आएगा सॉरी, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब ये जो है स्ट्रक्चर वापस ऐसे आ जाएगी डबल सिंगल नेगेटिव करके, तो ये लोन पेयर इधर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड पेयर इधर लोन पेयर में, ठीक है। एक तो ये बन रही है, आप खुद कर लोगे,
एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये है, दूसरी पॉसिबल स्ट्रक्चर है ये वाली जो मैंने आपको पहले बताई थी, डबल सिंगल डबल ऑल्टरनेट बॉन्ड बन रहे हैं हमारे पास, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, ये वाली ठीक है। जब ये वाली स्ट्रक्चर हमारे पास आ रही है, इसमें हम क्या करेंगे अब, इसमें मेरे पास क्या होगा, जो लोन पेयर है सॉरी जो पहले बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर में कन्वर्ट होगा ना। कैसे होगा, कैसे कहते थे, ये इधर और ये वाला इधर है ना, तो मैं इसको ऐसे कंसिडर कर रही हूँ, तो यहाँ पे दो जगह तो डबल बॉन्ड एक साथ रह नहीं सकता, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ भी लोन पेयर है यहाँ भी लोन पेयर है, ये इधर बन रहा है ना। तो ये वाला इधर चला जाएगा। ओके तो मेरे पास होगा कि ये वाला डबल बॉन्ड जो है बॉन्ड पेयर है वो इधर बॉन्ड पेयर में ही कन्वर्ट हो गया, जो ये वाला लोन पेयर है इधर सॉरी ये वाला जो बॉन्ड पेयर है इधर लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। ये वाला जो थी रेजोनेंस अकेले रिंग में हुई है, सिर्फ रिंग में हुई है, रिंग के बाहर वाले कोई लेना देना नहीं है, इधर रिंग के बाहर वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसने अपना एक बॉन्ड इधर दे दिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, पहले रिंग बना देते हैं। अब देखिए ये वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर मेरे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये दोनों डबल बॉन्ड एक साथ स्टेबल नहीं रह पाएंगे, तो ये लोन पेयर इधर आ जाएगा, ठीक है, ये चीज होगी। तो देखिए ये वाला अपना इधर दे रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला इधर ले रहा है तो ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऐसे होता था, क्लियर। एक तो इस तरीके से पॉसिबल है, एक दूसरे तरीके से पॉसिबल है, दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लो, ये वाला लेस स्टेबल होता है वैसे, वाई ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है लेस स्टेबल है, दूसरा तरीका क्या है बताती हूँ रुको। स्ट्रक्चर्स हमने हर तरह की दे करके देखनी है, जो ज्यादा स्टेबल होगी उसको रखेगी, डबल सिंगल डबल है ना, ये हम इस तरह से भी तो कर सकते हैं, दिस बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू दिस बॉन्ड पेयर एंड दिस बॉन्ड इज पेयर इज कन्वर्टेड टू दिस लोन पेयर। चलो अब ये ड्रॉ करते हैं, एन एच दिस वन गोज दिस वे, तो सिंस ये वाला इधर इसमें कन्वर्ट हो गया तो लोन पेयर, अब आ गया इसके ऊपर यानी कि नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा सिंस ये अपना बॉन्ड दे रहे हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दिस वन इज मोर स्टेबल, वाई ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इनके अंदर डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है हमारा, दैट्स वाई इट इज मोर स्टेबल। ओके तो हमारे पास दो चॉइसेस थी इसको करने की, वो हमने कर ली, हमारे पास एक दो और तीन, तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, इनको आप वापस से इसी में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, ये वाले भी इधर चल जाएगी, ये वाले भी वापस में आ जाएगी, यही रेजोनेंस में होता है, हम पहले वाली ही इमेज ले आते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड में देखिए ट्रिपल बॉन्ड एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे है लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर, इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, जब ऐसा कुछ हो, जब मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब क्या किया जा सकता, तब भी मेरे पास दो कंडीशन होंगी, एक तो मेरे पास ये बन रहा है डबल सिंगल लोन पेयर जो हमने अभी तक किया है, डबल सिंगल लोन पेयर किया जो हमने, तो क्या होता है लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज इमीडिएटली कन्वर्टेड टू लोन पेयर, ठीक है, एक तो ये स्ट्रक्चर बन रही है, तो मेरे पास बन रहा है NH2, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हट जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसने इससे रिंग से लिया है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर सी ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, ये डबल सिंगल नेगेटिव करके वापस से उसे इसी वाले में वापस आ जाएगा, ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो रही है मेरे पास। दूसरी क्या कंडीशन है, दूसरा कौन सा वे है, दूसरा वे है रेजोनेंस का ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो ट्रिपल सिंगल डबल हो रहा है मेरे पास, ट्रिपल सिंगल डबल में मेरे पास यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है, जब इस तरह से मेरे पास दो पाई बॉन्ड होंगे तो क्या हो सकता है मेरे पास कि मैं एक पाई बॉन्ड इसको दे दूँ, जब मैं एक पाई बॉन्ड इसको दे रही हूँ तो क्या आएगा मेरे पास NH2 as it is, ये इसको नहीं लेना, इसी से कंटिन्यू कर रहे हैं, मैम हाँ
जी मैम ये दोबारा से समझाना, मेरी क्लास लीव हो गई ओके सॉरी, जो ये वाला है मेरे पास स्ट्रक्चर, इसमें हमारे पास दो तरह से है रेजोनेंस, एक तो इस साइड में डबल सिंगल लोन पेयर करके, ठीक है, और है दूसरी है इस तरफ, इस तरफ जब यहाँ पर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है। पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट को जो लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो यहाँ पे क्या होगा, डब लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, ये तो आप कर लोगे। इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन दे रही है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ से क्या है पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं बॉन्ड तोड़ के, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गई है इसकी। इस वाले अब अनदर केस में देखते हैं, इस वाले केस में कैसे रेजोनेंस होगी, ये अलग स्ट्रक्चर बनेगी या अलग बनेगी, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मैंने इसी के साथ आगे कंटिन्यू कर दिया। जब मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा मेरे पास, कि ये जो दो पाई बॉन्ड है इसको मैं कन्वर्ट करूंगी कि मेरे पास एक ही पाई बॉन्ड रह जाए, ताकि मेरे लिए रेजोनेंस करनी और इजी हो जाए। जब मेरे पास एक ही पाई बॉन्ड रह जाएगा तो मैं क्या करूंगी, जिसके पास लोन पेयर है ना उसको ही मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन दे देना है वापिस, मतलब कि उसको ये वापिस मैंने बॉन्ड तोड़ के दे देना है। तो क्या होगा यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड रह जाएगा, जब इधर चला गया बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसने अलाउ किया कार्बन ने कि हाँ तुम ये बॉन्ड रख लो, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और क्या पॉसिबल है अब यहाँ पर, यहाँ पर डबल सिंगल डबल, अब क्या हो रहा है डबल सिंगल डबल ही, अब इस पार्ट में रेजोनेंस हो रही है। जब इस पार्ट में रेजोनेंस हो रही है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा NH2 यहाँ पर, सी डबल बॉन्ड था यहाँ पर, डबल का सिंगल रह जाएगा N, ठीक है। बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, यहाँ पर बॉन्ड पेयर आ गया, बी वाला जो बॉन्ड पेयर था यहाँ पर लोन पेयर पे आ गया। देखिए अब इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इसने अलाउ कर दिया अब इलेक्ट्रॉन ले जाना, इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, कितना आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, अब ये वाली रेजोनेंस चल रही है, यहाँ पे NH2 था, NH2, अब यहाँ पर क्या होगा, डबल सिंगल नेगेटिव में क्या होता है, डबल सिंगल नेगेटिव, लोन कन्वर्टेड टू पेयर हाँ, एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू, पहले बॉन्ड पेयर इधर कन्वर्ट होगा, इधर जाएगा, नहीं उल्टा चल दिया मैंने, उल्टा चल दिया, रुको रुको रुको, हाँ लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, ये इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास लोन पेयर पड़ा है, बट हम इस तरफ ही चलते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल, सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, पहले इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था है ना, ये पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है, हाँ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, सी मैंने लगाया नहीं था, तो यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, कोई चार्ज नहीं आ रहा यहाँ पर एल, ठीक है। तो ये मेरे पास रेजोनेंस होगी इसकी, सेम रेजोनेंस इसमें आएगी, सेम कैसे होगी, इसमें एक तो ये बन जाएगी, यहाँ पर डबल सिंगल लोन पेयर पड़ रहा है, इतने पार्ट में होगी, पहले इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी मेरे पास डबल सिंगल लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो इस वाली कार्बन पे जो एंड वाली कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसने अपना इधर इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज, एक तो ये बन रही है सिंपल, दूसरी बन रही है ये वाली ट्रिपल बॉन्ड वाली। तो क्या होगा, सेम इसमें जो हुआ है वही होगा, पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा इधर, ठीक है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा फिर आगे, जैसे इसमें हमारे पास बनी है जो कंजुगेशंस लगाई है हमने, सेम इसमें कंजुगेशंस लगेंगे, अभी आप ट्राई करके देखना एक बारी, ठीक है। तो ये हमारी होमवर्क की डिस्कशन होगी, कोई डाउट इसमें, नो मैम। ओके।
एक बार खुद भी सॉल्व करके देखना, इसको यहीं पे नहीं छोड़ना है, खुद सॉल्व करके देखोगे फिर ज्यादा क्लियर हो जाता है। एक बार पता तो लग गया, लेकिन जब आप अपने हाथ से सॉल्व करके देखोगे ना तो ज्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, रेजोनेंस पे ही। दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि पिछले यू कैन से 10 साल से, 10 से भी नहीं, पिछले 15 सालों से एम्स में, नीट में, आईआईटी में इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। जो रेजोनेंस इफेक्ट है, इसकी हेल्प से हम सिर्फ एसिडिटी या स्टेबिलिटी नहीं बता सकते कंपाउंड की, उसकी बेसिसिटी भी बता देते हैं, और इवन एरोमेटिसिटी में भी रेजोनेंस यूज होती है। आगे टॉपिक आएगा आपको एरोमेटिसिटी, इसी चैप्टर में आएगा, उसमें भी रेजोनेंस यूज हो रही है। इसलिए रेजोनेंस पे इतना ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है इसको सीखने के लिए। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट, इसको और क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब इसमें हमारे पास होता क्या है, जो रेजोनेंस इफेक्ट है एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें क्या है, पोलैरिटी जब प्रोड्यूस होती है मॉलिक्यूल के अंदर, किसके कारण होती है, जब हमारे पास या तो अल्कीन हो जाए या हो जाए बेंजीन या अल्काइन, ये भी पॉसिबल है। ये हम कम ही पढ़ेंगे अभी, ये +2 में आएगा ज्यादा, अल्काइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ज्यादा होता है इनमें। ठीक है, जब मेरे पास दो पाई बॉन्ड्स आ जाए, या तो अल्काइन के फॉर्म में दो पाई बॉन्ड्स आ जाए, या डबल बॉन्ड ऐसे लगे हुए हैं, पाई बॉन्ड्स मेरे पास ज्यादा आ जाए। ठीक है, या मैं कह दूं पाई बॉन्ड और लोन पेयर, कोई ऐसी चीज लगी हुई है कि जैसे कि मेरे पास डबल ए बी और एक्स के ऊपर लोन पेयर, जब ऐसी कुछ हमारे पास कंडीशन आती है, जब इनके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर पोलैरिटी आनी शुरू हो जाती है, उसके उसको पढ़ने के लिए या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके लिए हम रेजोनेंस इफेक्ट यूज करते हैं। और ये जो इफेक्ट है ये ट्रांसमिट होता है थ्रू चेन, चेन होती है जिसमें मतलब कि कंजुगेटेड सिस्टम्स होते हैं, ऑल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, इस तरह जैसे यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे सिग्मा और पाई है, ऑल्टरनेशन आ जाती है, दोनों ऑल्टरनेट एडजेसेंट पोजीशंस पे लगे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में जो हमारे पास रेजोनेंस भी प्रोड्यूस हो रही है सिस्टम के अंदर, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है मॉलिक्यूल के ऊपर, उसकी पोलैरिटी के ऊपर, वो हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट होता है। इसकी डेफिनेशन कभी नहीं आनी है, कभी भी नहीं आएगी, सीधे आएगी इसकी टाइप्स। क्या टाइप्स आएंगी, प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट, जिसको आप प्लस आर भी कह सकते हो, प्लस एम भी कह सकते हो। ठीक है, प्लस आर इफेक्ट और प्लस आर, या प्लस एम इफेक्ट, या मैं कह दूं यहाँ पर प्लस आर या प्लस सॉरी माइनस आर, माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं। देखिए, हाँ जी, अब ये जो रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट है, इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज आ गई। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेजोनेंस। अब ये थोड़ा थोड़ा मिल रहा है इंडक्टिव इफेक्ट से, बहुत रिजेम्बलेंस होंगे लेकिन स्टिल बहुत डिफरेंस होंगे। नेगेटिव रेजोनेंस है ये वाली, जो ये मेरे पास पॉजिटिव रेजोनेंस आई है। पॉजिटिव वाली में क्या होता है, इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू डबल बॉन्ड और कंजुगेटेड सिस्टम, जिसमें हम हाइपर कंजुगेशन भी कह सकते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम, या जो डबल बॉन्ड आता है उसके ऊपर उसको हम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें, डबल बॉन्ड को ऑलरेडी हम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, इस तरह के इफेक्ट को पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको प्लस आर एम आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट भी कह देते हैं। ठीक है, अब ये हर एक के ऊपर नहीं होता, हर एक के ऊपर ये चीज पॉसिबल नहीं, कुछ सिर्फ स्पेशल ग्रुप्स हैं, याद रखो सिर्फ खास ग्रुप्स हैं जिनको हम प्लस आर या प्लस एम ग्रुप कहते हैं, उसी के साथ ये चीज पॉसिबल है। कौन कौन से आ जाते हैं ग्रुप, ओ एच, ओ आर, ये आपको याद करने पड़ेंगे,
NH2, NH4, कॉमा डाल दो यहाँ पर बीच में, ठीक है। इसके अलावा NR2 है, क्लोरीन है, ठीक है, हेलोजन्स आ जाएंगे सारे, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं? प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट, ये किस किस के ऊपर होता है? अल्कीन के ऊपर और बेंजीन के ऊपर, इन दोनों के ऊपर ये पॉसिबल है, होता ही होता है इसमें। अब एक चीज याद रखनी है, इस पॉइंट को ना हाईलाइट कर लो, रेजोनेंस इफेक्ट के कुछ पॉइंट्स से हाईलाइट कर लो पहले। एक तो है परमानेंट इफेक्ट, मेरे माइंड में अभी आया, परमानेंट इफेक्ट, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। दूसरा पॉइंट याद रखो, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड पे होता है। जैसे रेजोनेंस सिर्फ पाई बॉन्ड के ऊपर एप्लीकेबल है, सिर्फ उसके ऊपर ऑपरेट होती है, उसी तरह से जो रेजोनेंस इफेक्ट है ये भी सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड के ऊपर ही ऑपरेट होगा। फिर है जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में हमने कहा था कि हाँ जी उसमें तो पार्शियल बॉन्ड आ जाते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअल चार्ज होता है। अभी तक रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स किए हैं, अभी भी क्लास में हमने चार रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स किए, इसमें एक्चुअल चार्ज हमारा इससे उधर जाता है, सीधा लोन पे और चार्ज सीधा बॉन्ड पे सीधा जाता है। तो एक्चुअल चार्ज हमारे पास डेवलप होता है और वही डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, जहां पर जाना है उसकी ही ट्रांसफरेंस होती है, वही ट्रांसमिट होते हैं इधर उधर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो जब भी हम रिंग की बात करेंगे, स्पेशली बेंजीन, जब भी हम बेंजीन की बात करेंगे, जो रेजोनेंस इफेक्ट है इट विल नॉट नॉट ऑपरेट ऑन मेटा पोजिशन। रेजोनेंस इफेक्ट नेवर ऑपरेट्स ऑन मेटा पोजिशन, चाहे वो प्लस आर इफेक्ट है माइनस आर इफेक्ट है, किसी में भी ये मेटा पोजिशन पे नहीं ऑपरेट होगा, हमेशा किस पे होगा, ऑर्थो पे या पैरा पे, बेंजीन के अंदर। ये चीज याद रखनी, ये तो ना गांठ बात रो। अब प्लस आर इफेक्ट के ऊपर वापस आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं किसको, डबल बॉन्ड को, ठीक है। तो प्लस आर में इफेक्ट हो गया, कौन कौन से करते हैं, अल्कोहल हो गया, ओ आर हो गया, एनएच टू हो गया, एनएच आर, एनआर टू, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो गए, एलर्जेंस हो गए, ये सारे के सारे प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक अल्कीन की, मेरे पास है सी एच टू डबल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एल, सी एल के ऊपर क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। आ गया याद, कंजुगेशन कौन सी हो रही है, यहाँ पे सी एच टू इसने ले लिया इधर से इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एल, इसने इलेक्ट्रॉन दिए पॉजिटिव चार्ज, क्या है ये प्लस आर इफेक्ट। एक बेंजीन के एग्जाम्पल लेते हैं, बेंजीन ग्रुप में मेरे पास है, मेरे साथ लगा है यहाँ पे एन एच टू, लोन पेयर है, लोन पेयर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डबल सिंगल लोन पेयर, तो लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। ये तो कर लोगे आप, बहुत सिंपल है, एनिलीन वाला आपने किया था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल डबल, यहाँ पे डबल एन एच टू, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज। आगे करते हैं, मेरे पास दिस लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड दिस बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। जब ये चीज होगी, यहाँ यहाँ डबल, यहाँ पर नेगेटिव एन एच टू, यहाँ पर पॉजिटिव। अब आगे करते हैं, दिस लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, दिस बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। अब ये इजी लगने लग गया होगा कॉन्सेप्ट, रेजोनेंस अब इजी लगने लग गई होगी क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है। अब दिस लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, दिस बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर एन एच टू वापिस वही, ये है प्लस आर इफेक्ट, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं टुवार्ड्स ए डबल बॉन्ड, जिस तरफ डबल बॉन्ड है ना उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे, ठीक है। ये मेरे पास है इस चीज का प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट। अब यहाँ पर माइनस आर इफेक्ट पे आते हैं, माइनस आर इफेक्ट में क्या होता है, मेरे पास नेगेटिव रेजोनेंस है तो कोई भी सब्सटीट्यूएंट है इसके अंदर जो विदड्रॉ कर लेगा,
विदड्रॉ कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, ठीक है, और अपनी तरफ लेके आएगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या था, इलेक्ट्रॉन दे रहा था डबल बॉन्ड की तरफ, ले लो तुम इलेक्ट्रॉन, ले लो इधर, ले जाओ इधर, ले जाओ, इसमें भी ये हुआ है, जिस तरफ डबल बॉन्ड था उस तरफ इलेक्ट्रॉन गए हैं कि नहीं, जिस तरफ डबल बॉन्ड था उस तरफ इलेक्ट्रॉन गए हैं कि नहीं, गए हैं, इस इनसे छीना जाएगा, इस वाले में छीना जाएगा। कौन कौन से ऐसा कार्य करते हैं, पाप करते हैं ऐसा, सी डबल बॉन्ड हो, सी एच एल्डिहाइड हो गया, सी एन हो गया, एनओ टू हो गया, ठीक है, सी ओ आर हो गया, ठीक है, ये सारे नेगेटिव जो मेरे पास आर है उसको शो कर रहे हैं, नेगेटिव आर को। अब देखिए इसकी एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव आर की, मेरे पास है सी एच टू डबल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव आर इफेक्ट शो होगा, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू, सॉरी इधर आएगा सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, दिस बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, इसमें सेम चीज हो रही है, सी एच टू के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये माइनस आर इफेक्ट है। इसके अलावा ये वाली एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मेरे पास है, ये यहाँ डबल यहाँ डबल यहाँ डबल, ये एग्जाम में आ चुकी है एग्जाम्पल पहले, एन पॉजिटिव ओ नेगेटिव यहाँ पर हो, क्या है इसके ऊपर माइनस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं, माइनस आर इफेक्ट कैसे होगा, देखिए यहाँ पर इसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे है, तो एक तो चीज ये हो सकती है कि ये वाला जो मेरे पास बॉन्ड पेयर है यहाँ पे आ जाए, डबल सिंगल डबल हो रहा है ना, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, एक तो ये हो रहा है, ठीक है, तो मेरे पास अब नाइट्रोजन के पास यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना इसके ऊपर, ये तो रह गई हमेशा ही, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मेंटेन रहेगा, ये इधर आ गया डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर यहाँ ये चीज होगी। अब सिंस यहाँ पर जब डबल बॉन्ड गया इसके ऊपर नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये डबल सिंगल पॉजिटिव हो गया, डबल सिंगल पॉजिटिव हो गया तो बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, इधर आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज, इधर आ जाएगा, इस तरह से होगी ये रेजोनेंस, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव, यहाँ पर रिंग और ऊपर वाला पार्ट साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, ये वाला एग्जाम्पल एक और पार्ट में करवाऊंगी, उसमें बड़ा मजा आएगा आपको, यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्ड इधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ डबल एन पॉजिटिव ओ नेगेटिव, अब देखिए डबल सिंगल पॉजिटिव अब ये हो रहा है, रिंग के बाहर वाली भी इसके साथ साथ रेजोनेंस कर रही है, यहाँ पर आ गया डबल डबल डबल, अब यहाँ पर देखिए ये चीज, यहाँ पर देखिए जो डबल है यहाँ तक पॉजिटिव तो आ गया, अब जब ये डबल आएगा यहाँ पर तो ऑक्सीजन दोनों इसको संभालने मुश्किल है, नेगेटिव नेगेटिव ये इधर आ जाएगा, ठीक है, तो एन डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव और एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस तरह से माइनस आर इफेक्ट की रेजोनेंस होगी। तो इसमें पता कैसे चलेगा कि माइनस आर इफेक्ट में हमारे पास ये चीज हो रही है, ये माइनस आर इफेक्ट है हमारे पास ऑपरेट हो रहा है, हाउ विल बी नो, जहां पर मेरे पास यूजुअली क्या होगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या इस तरह के ये हमारे पास जो इफेक्ट शो कर रहे हैं वो वाले मेरे पास ग्रुप्स आ जाएंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ जी यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट हो रहा है, अब एनओ टू था यहाँ पे मेरे पास एनओ टू था, सी एन मैंने कहा था यहाँ पे सी एन आ गया, ठीक है, एक प्लस एम इफेक्ट की और